हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 64 का गुणनखंड करेंगे। तो हम 64 को लिख लेंगे 1 लाइन इस तरफ के लिए खींचेंगे, 1 लाइन इस तरफ के लिए खींचेंगे। तो दोस्तों, गुणनखंड करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। जैसे सबसे पहले हम 2 से देंगे, अगर हमारी संख्या 2 से कट रही है तो उसको काटेंगे, अगर 2 से नहीं कट रही है तो उसके बाद हम 3 से देंगे, अगर 3 से नहीं कट रही है तो उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे, अगर 5 से नहीं कट रही है तो उसके बाद 7 से चेक करेंगे, अगर 7 से नहीं कट रही है तो उसके बाद हम 11 से भाग देंगे। इस प्रकार हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते रहेंगे जब तक हमारी संख्या कटेगी नहीं। ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो हमारी संख्या यहाँ क्या है 64, तो 64 2 से कट जाएगी, तो यहाँ 64 लिख लेंगे और इसमें हम 2 से भाग देंगे, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 3 बार 6, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से चल गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, उतार लेंगे 4 का, 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा भाग पूरी तरह चलेगा, शेषफल क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। अगर यहाँ शेषफल बचता तो हम फिर 2 से भाग नहीं देते, हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिस संख्या से संख्या पूरी तरह कट जाए। तो 2 से 64 में भाग पूरी तरह चल गया तो कितनी बार गए, 32 बार, तो यहाँ लिखेंगे 32, 32 कब आई है, 2 का भाग हमने 64 में दिया है तभी तो 32 आई है। अब हम क्या करेंगे, अब 2 से भाग देंगे क्योंकि हमारी सम संख्या 2 से कट जाएगी, तो यहाँ 32 लिखेंगे, इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, उतारा लेंगे, 2 का संख्या बनेगी 12, तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो यहाँ क्या आएगा, 6 12 में से 12 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो शेषफल क्या आ गया, 0, तुम्हारी संख्या पूरी तरह कट गई। तो 2 से 32 में भाग देने पर भागफल क्या है, 16 आया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 16 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 का भाग हमने किस में दिया है, 32 में, तब हमें 16 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये हमारी संख्या 64 के फैक्टर हैं, जो हमारी संख्या निकल के आई है 64 के क्या है, फैक्टर हैं। अब हम इस गुणनखंड को चेक करेंगे ये सही है गलत है, तो इन सभी संख्याओं के गुणा करने पर हमें 64 प्राप्त होता है तो हमारा गुणनखंड सही है, अगर नहीं होता है तो हमने कहीं इसमें मिस्टेक की है। तो इसमें 2 2 के अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनको लिख लेंगे यहाँ, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2। अब दोस्तों इनका हम गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा अगर 2 से करें तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 2 से करें तो 8, 8 गुणा 2 से करें तो 16, 16 गुणा 2 से करें तो 32, 32 गुणा 2 से करें तो कितना आएगा, 64, तो हमें 64 मिल गया, तो हमारा गुणनखंड सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। हमारी अगली संख्या है 324 और इसके हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे क्योंकि हमारी सम संख्या है और 2 से कट जाएगी। तो दोस्तों इस संख्या में हम मन ही मन में भाग देंगे, जैसे इसमें हमें 2 से भाग देना है तो 2 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 एकम 2 1 बार। अब 3 में से 2 गया तो 1 से शेषफल बचेगी, तो हम संख्या उतारा किसका लेंगे, 2 का, तो संख्या बन जाएगी 12। तो अब हम 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाता है हमारा, 6 बार।
तो 12 से 12 पूरी तरह कट जाएगी, तो उतार लेंगे हम 4 का। तो अब हम 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार। यहाँ इसी प्रकार हम इस संख्या में भाग देंगे। 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच जा रहे, 8 बार। 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बच जा रहे, 1 बार। क्या यह अब संख्या 2 से कट जाएगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इसके पीछे क्या गया, 1। यह हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप 3 से भाग देंगे। क्या इस संख्या 3 से कट रही है? तो 3 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार, 3 × 2 = 6। यहाँ 2 लिखेंगे, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2, और उतारा लेंगे 1 का, तो संख्या बन जाएगी 21। तो 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 7 बार। अब हम 27 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 9 बार। तीन का भाग 9 में देंगे तो कितनी बचेगा, 3 बार, और 3 × 1 = 3। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं, और आपको भी इसी प्रकार से गुणनखंड करना है, क्योंकि आप रजिस्टर में भाग दे के देखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। आप मन ही मन में भाग देकर करने की कोशिश करें। तो अब इसको हम चेक करेंगे, ये सही है गलत है। तुम्हारे फैक्टर निकल के आए हैं 324 के, तो इनका गुणा करने पर अगर हमें 324 मिलता है तो हमारा गुणनखंड सही है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3, 2 × 4, 4 × 12, 12 × 3 = 36। तो यहाँ तक कितना आ गया, 36। अभी क्या बचा है, 3 × 9, तो 36 में हम 9 का गुणा करेंगे, तो 9 × 54 = 4, असल की 5, 29 = 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32। तो हमें 324 मिल गया। तुम्हारा गुणनखंड कैसा है, सही है। तुम्हारा नेक्स्ट गुणनखंड दिया है 1225 का, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या किसी विषम संख्या है। तो हम 3 से भाग देंगे, तो 3 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बजेगा, 4 बार। लेकिन 3 का भाग 25 में नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें शेषफल बच रहा है। हम इस संख्या से भाग देंगे जिस संख्या से पूरी तरह कट जाए, तो 3 से संख्या पूरी तरह नहीं कट रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार, 5 × 10। 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 2, उतारा लेंगे 2 का, तो संख्या बन जाएगी 22। तो 5 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4 बार। तो 22 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 2, उतारा लेंगे 5 का, संख्या बन जाएगी 25। तो 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बचेगा, 5 बार। अब भी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है। अगर संख्या की लास्ट में 5 या 0 है तो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो 2 संख्या ले लेंगे, तो संख्या बनेगी 24। तो 5 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 24 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 4, उतारा लेंगे 5 का, तो संख्या बन जाएगी 45। तो 5 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 9 बार। क्या इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7। तो 7 से भाग देंगे, तो 7 का भाग 49 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 7 बार। 7 × 7, इनका हम गुणा करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा गुणनखंड सही है गलत है। तो 5 × 5, 7 × 7, 5 × 25, और 25 × 7 कितना आता है, 175। अभी हमारी संख्या 7 रहेगी, इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 × 35 = 5,
असल की 3। 7 × 7 से करें तो 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52, तो 52 की 2 असल की 5, 7 × 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, तो मैं 1225 मिल गया, तो हमारा गुणनखंड सही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।